अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? ठीक हो खरिया ते ई वीडियो सऊदी अरब ज कुछ खबर थोड़ा शेयर करे ना वहाँ। पहली खबर, सऊदी महकमे जवजात खुलोए। सऊदी महकमे जवजात के ट्विटर अकाउंट से एक सऊदी शहरी पूछे, नवे वीजे के उत्ते आवण वाले गैर मुल्की का कितने डे बाद इकामा बनवावन जरूरी है? सैक खास दा इकामा है। सऊदी जवजात ई सऊदी को जवाब दें जो डस है, घरेलू अमाल है या मुसस्से दा माल है या कंपनी दा माल है, इन्हें कितने कानून इको जे आए। जिमें कोई गैर मुल्की सऊदी अरब पूछ दे, उको तर्जबाती मुद्दा दे 3 महीने मिल दे वेन, ऊ कोई उन्दे कफील कोई एक बे को चेक करान की ते 3 महीने दे अंदर अंदर इकामा बनवावन जरूरी होंदा है। अगर 3 महीने गुजर विजन इकामा ना बनवाओ तो वाल 500 रियाल जुर्माना आंदा है। कई वजह ने कफील को अमाल पसंद नहीं आया तो वो बगैर इकामा बनवाए उको खरूज नहीं ला सकता है पासपोर्ट के उत्ते, जरे 3 महीने तर्जबाती मुद्दा दे होंदे वेन और ए खरूज नहीं कैंसल भी नहीं थींदा। बी खबर, मदीना मनौरा पुलिस 2 गैर मुल्कियों को पकड़िए जरे मालियाती फ्राड करेंदे हैं ऑनलाइन। ई दोइए गैर मुल्की 146 वारदातें कीती वधे हैं। सोशल मीडिया के उत्ते मुख्तलिफ इश्तहार देंदे हैं, वला जरे बंदे नाल राबता करें ना उन्हें को लुटेंदे हैं। मुख्तलिफ काम करवावन दे बहाने इन 2 गैर मुल्कियों दे विचों एक पाकिस्तानी है दूजा इंडिया ने। पाकिस्तानी इकामे वाला जरा इंडिया ने ए विजिट वीजे के उत्ते आया वदा ते हुण तक ये दोइए 22 मिलियन रियाल को ज़्यादा फराड कर चुके वेन, ये रकम लुट चुके वेन, लेकिन हुण ये पकड़े पे वेन मदीना मुनवरा आयत। भी खबर, पकड़ दे हवाले नाल है, पिछले एक हफ्ते के दौरान 16 नवंबर ने गिनते 22 नवंबर तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकें तो 17,463 गैर मुल्की पकड़े ने गैर कानूनी, 10,856 इंजे गैर मुल्की पकड़े ने जेरे इकामा कवानीन की खिलाफ वर्दी की खड़े हैं। ये वो गैर मुल्की होंदे वेन जिन्हें को मुंडो इकामे कह नहीं होंगे या इकामे के उत्ते हरूब होंद है। 3,934 इंजे गैर मुल्की पकड़े ने जेरे सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्दी की खड़े हैं। सरहद के जरिए गैर कानूनी तरीके इस सऊदी अरब दाखिल थे हैं। 2,673 इंजे गैर मुल्की पकड़े ने जेरे लेबर कवानीन की खिलाफ वर्दी की खड़े हैं। ये वो गैर मुल्की होंदे वेन जेरे आजाद बाहर काम करें जो पकड़े वेंदे वेन उन्दे वीजे आले वेन। 773 इंजे गैर मुल्की पकड़े ने जरे एक हफ्ते के दौरान गैर कानूनी तरीके नाल सऊदी अरब सरहद के जरिए दाखिल थीवन की कोशिश करें दे पान, इन्हें ज़्यादातर अतोपी हैं। 54 इंजे अफराद ही पकड़े ने जरे एक हफ्ते के दौरान गैर कानूनी तरीके नाल सऊदी अरब को सरहद के जरिए छोड़ते वेंदे पान। ये ज़्यादातर वो बंदे होंदे वेन जरे सऊदी अरब मतलूब होवेन कहीं केस है तो सफर इन्हें ना बंद होवे, वाल ए सरहद के जरिए गैर कानूनी तरीके वजन की कोशिश करे ने वेन, कई टप वेंदन तो कई पकड़े वेंदे वेन। ई हफ्ते 54 अफराद पकड़े ने यू जे इन्हें अलावा 11 सहूलतकार ही पकड़े ने जेरे गैर कानूनी अफराद को मुख्तलिफ किस्म की सहूलत फराहम करेंदे हैं। भी खबर, सऊदी वजीर हज व उमरा को सऊदी वजीर हज व उमरा ज़ायरीन को मशवरा दिता है, उमरा करण की ते बेहतरीन जरा टाइम है सवेरे 7 गेंदते 10:30 बजे तक है तो रात को 11 गेंदते 2 बजे तक है। ई टाइम उमरा आसानी नाल कर सकते हो, रश कह नहीं होंदा। ये सऊदी वजीर हज व उमरा ज़ायरीन को मशवरा दिता है जो ये टाइम उमरा करान की ते बेहतरीन ही वे। भी खबर, सऊदी अरब का 19वां त्यारा मसर दे अबू अरीश एयरपोर्ट ते पुज गए। गजा दी अवाम किते इमदादी सामान चाहते, ई त्यारे दे अंदर 36 टन सामान आ। इन्हें त्यारे ने अलावा सऊदी अरब का बहरी जहाज ही 1,050 टन इमदादी सामान चाहते मसर दे बोर सईद बंदरगाह पहुँच गए। ये इमदादी सामान भी फलस्तीन दी अवाम तक वला पुचे सन सरहद के जरिए। भी खबर, रियाल रेट के बारे में कल हफ्ते वाले जाड़े 25 नवंबर को सऊदी अरब का जरा रियाल रेट चलता पिया पाकिस्तान किते फौरी बैंक अल जजीरा के उत्ते 75 रुपए 42 पैसे आ, STC पे के उत्ते 75 रुपए 10 पैसे आ, तो एक्सचेंज जरा रियाल रेट कल चलता रह गए 76 रुपए 11 पैसे आ पाकिस्तान किते। ठीक है संगत, ये सऊदी अरब थोड़िया बहु खबरान जरिया थोड़ा शेयर किए मी। ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कराए तो बिने बिरान शेयर भी कराए। अल्लाह हाफिज़।